हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने सुना है कि पिज़्ज़ा कभी हेल्दी हो सकता है? जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी पिज़्ज़ा। ये टेस्ट में बेस्ट है, डिलीशियस है, यमी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पिज़्ज़ा जितना देखने में डिलीशियस लग रहा है उतना खाने में भी डिलीशियस है। इसमें कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं पड़ी हुई है, ये सारी हेल्दी चीज़ों से बना हुआ है। ये ऑयल फ्री है, शुगर फ्री है, इसको सभी लोग खा सकते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे 1 कप आटा। यहाँ पर मैदे की जगह आटा ले रही हूँ। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गुड़। इसमें चीनी की जगह गुड़ यूज़ किया है क्योंकि चीनी नुकसान करती है, इसलिए मैंने चीनी इसमें नहीं ऐड किया है। इसके बाद ऐड करेंगे सेंधा नमक। हम लोग खाने में सेंधा नमक यूज़ करते हैं, आप जो भी नमक यूज़ करते हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन को आपको ऐसे हाथ पे रगड़ कर डाल देना है, इससे बहुत अच्छी महक आएगी। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हम गूँथ लेंगे। आटा गूँथ गया है, अब इसमें 1/2 टेबल स्पून तिल का तेल ऐड करेंगे और इसे आटे के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद इसे 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं होममेड हेल्दी चीज़। इसे बनाने के लिए लिया है 1 कप गोभी, इसे गर्म पानी में अच्छे से धुल लिया है, और इसमें ऐड करेंगे 15 से 20 काजू। 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और इसे पीस लेंगे। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल चीज़ जैसा ही लगेगा। ये देखिए बहुत अच्छे से पिस गया है, ये देखने में और टेस्ट में बिल्कुल चीज़ जैसा ही है। इसे एक बाउल में खाली कर लिया है। अब हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। तो इसके लिए लिया है टमाटर। टमाटर को कट करके इसके बीज को निकाल लेंगे और इसके बाद इसको फाइनली चॉप कर लेंगे। टमाटर कट गया है तो अब हम इसका सॉस बना लेते हैं। इसे कढ़ाई में डाल देंगे और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढककर रख देंगे। इधर मैंने ले लिया है 3 हरी मिर्च, इसको कूट लेंगे। साथ ही साथ 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर देंगे और इसे कूट कर इसका पेस्ट बना लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून गुड़। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे, और ये देखिए बहुत अच्छा सा बनकर रेडी हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह बनाना है और इसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगेगा। इसके बाद पिज़्ज़ा का बेस बना लेते हैं। आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, चकवा हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, और बेस इसका आप बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा। आपको इसे रोटी जैसा पतला पतला बेल लेना है, बस ये रोटी से थोड़ा सा मोटा रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से अब हमें इसमें फोक से होल कर लेना है, जिससे कि बेस हमारा क्रिस्पी बने और अच्छे से हर तरफ से कुक हो जाए। इसे डाल देते हैं कढ़ाई में बेक होने के लिए। इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट तक ढककर रख देते हैं। 4 मिनट हो गए हैं, इसे हमने पलट दिया है। इसे हमें दोनों साइड से पका लेना है, और ये देखिए दोनों साइड से पककर रेडी हो गया है। इसे अभी हम ज़्यादा कुक नहीं कर रहे हैं, जब टॉपिंग के साथ रखेंगे तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। अभी एक कढ़ाई में एक स्टैंड रखकर 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। तब तक इधर टॉपिंग कर लेते हैं। टॉपिंग करने के लिए सबसे पहले जो पिज़्ज़ा सॉस बनाया था उसे बेस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद जो चीज़ बनाकर रखी थी उसको स्प्रेड कर देंगे। अब ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कर देंगे पनीर। इसके बाद ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च, और लास्ट में ऐड कर देंगे चीज़ और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस। टॉपिंग रेडी है तो इसे बेक करने के लिए चलते हैं। इधर कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रखा था, ये अच्छे से प्रीहीट हो गया है, तो इसमें पिज़्ज़ा रख देंगे। इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देते हैं, और ये देखिए बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया है, और बेस इसका देखिए बहुत ही क्रिस्प बना है। अब इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं, और ये देखिए कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। ये पिज़्ज़ा आपके घर में जो सामान अवेलेबल हैं उनसे बन जाएगा, और ये टेस्ट में बेस्ट है। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।